हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हमारी i20 के ऊपर है। तो इसके बारे में बताऊंगा कि i20 किस तरीके की होती है और क्या क्या हमें इसके अंदर चीजें अपने दिमाग में रखनी होती है ताँ जो हम इंटरव्यू के टाइम वो चीजें बोल सके और वीजा ऑफिसर के सामने, और हमें किन किन बातों का ऊपर पूरे ध्यान रखना होता है कि हम जो हमारी i20 में है हम वो ही रिप्रेजेंट करें इंटरव्यू टाइम। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर लो माय चैनल को, ताकि जो आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहे। JEE 20 मुझे आई है गैनन यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो गैनन यूनिवर्सिटी से आई है इन्होंने, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरा कोर्स कौन सा है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम, ये मेरा प्रोग्राम है। ठीक है, स्प्रिंग का, तो 2022 सेमेस्टर का। तो इसको आगे हम मूव करते हैं, जे कोर्सेज हैं। ठीक है, आगे मैं मेन पेज पे चलता हूँ, वहां पे इजिली आपको अंडरस्टैंड होगा। तो ये है पहली बात, तो सेविज फीस, जो सेविज आईडी फीस नहीं सॉरी आईडी, जो सेविज आईडी होती है वो यूनिक होती है। ठीक है, तो एक ही रहेगी जो ये वाली है सेविज आईडी। तो जेकर आपके पास मल्टीपल आ रही है, आपने मल्टीपल i20 मंगाई है, मतलब 3 या 4 या इससे ज्यादा, ठीक है, कॉलेजेस ने आपको एक्सेप्ट किया, सेवी आईडी उनकी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, लेकिन आप जब अप्लाई करोगे DS-160 में तो एक ही सेवी आईडी होगी, जो आप एक 3 या 4 कॉलेज से कोई एक कॉलेज सेलेक्ट करोगे वो वाली। ठीक है, तो दूसरा जैसे इसका नाम है F1, कि F1 वीजे के लिए ये i20 है, तो आपके वीजे का पता होना चाहिए आपको कि स्टूडेंट वीजा आपका कौन सी कैटेगरी में आता है, तो F1 कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये अपनी डिटेल चेक कर लो। दूसरा आ जाते हैं कॉलेज या स्कूल इंफॉर्मेशन पे, तो आपको जो जो पता होना चाहिए, स्कूल का नाम, ठीक है, अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल का नाम आ जाएगा आपका पता होना चाहिए, जैसे गैनन यूनिवर्सिटी है यहाँ पे मेरा। दूसरा, आपको अपने स्कूल कॉलेज का एड्रेस पता होना चाहिए, जरूरी नहीं है आपको उसका पिन कोड पता हो, PA पेंसिल्वेनिया, यहाँ तक पता होना चाहिए कि एरी सिटी में है। ठीक है, यूनिवर्सिटी का एड्रेस क्या कौन सा है, 109 यूनिवर्सिटी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद स्कूल ऑफिशियल टू कनेक्ट अपॉन अराइवल, जब आप पहुंचोगे तो आप किससे बात करोगे, किससे कनेक्ट होगे, वहां पे अपने बारे बताओगे कि हाँ मैं अभी यूएसए आ गया हूँ, तो कॉलेज के भी अंदर भी आ गया हूँ, तो किस स्टाफ को मिलना है जाके, तो ये है वो बंदा। ठीक है, आपके वहां पे भी आपकी i20 के ऊपर भी आपके किसी कॉलेज के मेंबर का नाम लिखा होगा, कोई डिपार्टमेंट के अंदर जो भी उसका एडमिशन डिपार्टमेंट है या स्टूडेंट सेक्शन है, जो भी आपका सेक्शन होगा उस कॉलेज के अकॉर्डिंग उस बंदे का नाम लिखा होगा। तो ये नाम आपने कहाँ पे लिखना है, DS-160 पे आपका ऑप्शन है कि आप स्कूल जो जा रहे हो वहां पे किसी कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम बताओ। ठीक है, ये उसका नाम लिखना है, उसका एड्रेस भी दिया होगा, मांगा होगा वहां पे DS-160 ने, तो एड्रेस आपने यूनिवर्सिटी का ही लिखना है, जो यूनिवर्सिटी का एड्रेस है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही बंदा है। ठीक है, तो उसके बाद आ गया प्रोग्राम। प्रोग्राम आपका ये इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे स्कूल की इंपॉर्टेंट चीज है वैसे ही जे वाली चीज इंपॉर्टेंट है। तो प्रोग्राम, किस प्रोग्राम में आप जा रहे हो आपको पता होना चाहिए, मास्टर है, बैचलर है या कोई और कोर्स है। ठीक है, मास्टर है, आपका मेजर कौन सा है, तो ये क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं, व्हाट इज योर मेजर्स, ठीक है, इन योर स्टडी। तो इसमें आपने मेजर्स, ये वाला मेजर बताना है, इसमें अपने कॉलेज अपने कोर्स का नाम नहीं बताना है, अपने सब्जेक्ट्स नहीं बताने हैं। ठीक है, उसने मेजर का पूछा है, तो मेजर क्या है, मैनेजमेंट साइंस एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स। ठीक है, अदर्स, अदर बोल सकते हो नहीं बोल सकते, इतना ठीक है। ठीक है, जो भी आपका फिर मेजर होगा, मेरा तो ये वाला मेजर है, जो भी आपका होगा। ठीक है, उसके बाद आ गया कि आपको इंग्लिश की जरूरत है, तो ये आएगा ऑन कैंपस, जे उनको लगा ऑन कैंपस पे, उनको लगा मेरे से डिस्कस करते हुए जहाँ मैं क्लासेस में कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, उससे उन्हें लगा कि इस बंदे को इंग्लिश की जरूरत है, इंग्लिश की क्लासेस की जरूरत है, तो वो देंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, ऑन कैंपस इफ दे नीड इट।
ठीक है, तो ये हो गया तीसरा पॉइंट मेजर, आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोग्राम कब स्टार्ट हो रहा है और कब खत्म हो रहा है। ठीक है, मेरा 2 साल का प्रोग्राम है, 10 जैन को स्टार्ट हो रहा है 2020 में, 2 में, और 15 दिसंबर 23 में खत्म हो रहा है, 2 साल बन जाते हैं जी। ठीक है, क्लासेस स्टार्ट सेम ही है जी। तो ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, मास्टर्स ठीक है आपकी कौन सी डिग्री है, और मेजर्स आपके क्या हैं, और आपका प्रोग्राम स्टार्ट एंड एंड टाइम क्या है। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल्स के बारे, ये क्वेश्चन हमने उन लोगों ने पूछने हैं आपसे, ठीक है ना, इससे रिलेटेड कोई और नहीं है। 3 क्वेश्चन बन गए हैं यहाँ पर तक, 3 4 क्वेश्चन बन गए, यही क्वेश्चन उन्होंने रिपीट करने। तो फाइनेंशियल की बात करते हैं कि वो आपको पता होना चाहिए कि आपकी ट्यूशन फीस कितनी है। ट्यूशन फीस मतलब एक साल की स्टडी, उसकी फीस, ओनली उसकी फीस, जो आपकी एक साल की स्टडी है उसकी फीस क्या है। तो यहाँ पे $18,000 समथिंग है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली $19,000। ठीक है, आपके लिविंग एक्सपेंसेस कितने पड़ रहे हैं। अभी वो तो थी कॉलेज की फीस एक साल की, दूसरा आ गया है अभी कि एक साल में आपके लिविंग एक्सपेंसेस कितने बन रहे हैं, $6,000। ठीक है, $6,000 ये बन रहे हैं, और दूसरा कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना ही है, हेल्थ इंश्योरेंस ये वाला होगा, तो ये 1400-1500 अप्रोक्सीमेटली डॉलर जो है आपका हेल्थ इंश्योरेंस है। मैंने कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं और कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम जरूरी नहीं है कि कॉलेज में जाके ही हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, हम बाहर कंपनीज होती हैं उनमें सस्ता मिल जाता है हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी हम ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया कि पर्सनल फंड कितने दिखाए हैं, तो मैंने तो अपने पर्सनल फंड दिखाए हैं $32,000। ठीक है, और मुझे दूसरा मुझे क्या बेनिफिट हुआ है, मुझे कॉलेज की ओर से अवार्ड मिला है, मतलब कि स्कॉलरशिप मिली है $2,500 पर सेमेस्टर। ठीक है, तो पर सेमेस्टर मेरे 3 सेमेस्टर है, तो मुझे पहले पहले साल में मेरे हो गए 2 सेमेस्टर और दूसरे साल में मेरा 1 ही सेमेस्टर है। तो फिर क्या है कि मुझे पहले 2 साल का, 1 साल का कितना टोटल दे दिया उन्होंने $5,000, और दूसरे साल में 1 सेमेस्टर है तो $2,500 उसका, मतलब टोटल मेरा $7,500 बनता है। ठीक है, तो वो भी एक आपके पास लेटर आता है उसमें सारा ब्रीफ किया होता है, तो टोटल कितना मतलब हो गया $37,000 मेरे को, मतलब कि मेरे पास है। तो रिक्वायरमेंट कितनी है $26,000, उससे $10,000 ऊपर ही है। ठीक है, ये फाइनेंस आपका होना चाहिए और इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। इसमें क्रेडिट्स का नहीं है, क्रेडिट्स का आपको वह दूसरा लेटर आया होता है उसके बीच में होता है कि आपके कितने क्रेडिट्स हैं फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में कितने क्रेडिट्स हैं। क्रेडिट्स होते हैं कि आपके सब्जेक्ट्स कितने हैं, जैसे पहले ईयर में आप मेरे क्रेडिट्स है 18, मैंने 18 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 18 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और दूसरे सेमेस्टर में मैंने 12 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो ये चीज़ होती है। और उसके बाद ये उन्होंने रिमार्क्स में लिखा हुआ है उसके बारे में, जो भी मुझे अवार्ड मिला है, जो भी मुझे स्कॉलरशिप मिली है, और इंग्लिश लैंग्वेज की जो मुझे जरूरत पड़ी उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने साइन करने होते हैं, जब आप इसे प्रिंट निकाल के लेके जाओगे ना तो आपने यहाँ पे साइन करने होते हैं, जैसे यहाँ पे मेरा नाम लिखा है ना गुरप्रीत सिंह, तो यहाँ के ऊपर आपने साइन करने होते हैं, यहाँ पे नहीं करने और कहीं पे कोई डेट नहीं लिखनी, जस्ट यहाँ पे साइन करो। ठीक है, तो ये चीजें मतलब की जरूरत नहीं है, साथ में आप लेके जाओगे। तो ये थी आपकी I-20 के ऊपर वीडियो, तो मुझे कई मैसेजेस आए और यूट्यूब पे बोला गया, तो मैंने फिर ये वीडियो बनाई, तो होपफुली सबको ये अच्छी लगेगी वीडियो, हेल्पफुल लगेगी। तो जेकर ये वीडियो आपकी हेल्प कहीं पे भी कर रही है तो वीडियो को लाइक कर दो एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।